मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। कॉलेज की फीस भी लेनी है, जल्दी आओ। अरे बाबा आ रही हूँ, 2 मिनट बस। इतना लेट हो गया है और दी भी ना, बस आओ ना दी, जल्दी। आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। अच्छा ले, दिन दे दो ना, मुझे लेट हो रहा है। अच्छा सुन महक, बोलो। तू बच्ची नहीं है अब, बड़ी हो गई है, ये हरकत करना कब छोड़ेगी? कम ऑन, आपके लिए तो मैं 25 ही हूँ ना अभी भी। क्या दी? अच्छा सुनो, ये सब छोड़ो, आपको याद है ना आपने मेरे बर्थडे पे कार देने का वादा किया था, प्रॉमिस जो ठहरा। हाँ बाबा मुझे मालूम है, बट कार चलाना सीख तो ले, तभी तो लूंगी मैं। हाँ दी, पर मुझे कौन सिखाएगा? अच्छा किसी ड्राइविंग स्कूल से बात करना। हाँ पर मैं नहीं जानती ना, आप जानती हो क्या? अरे अखबार में देखना, कहीं ना कहीं उसका नंबर दिया होगा ना विज्ञापन में। दी प्लीज आप ही ढूंढ लो ना, देख लो ना कोई ड्राइविंग टीचर को। अच्छा बाबा ठीक है, बाय बाय। हेलो, कौन? हेलो जी, मैं मीना सिंह बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। मुझे अपनी बहन के लिए कार सिखाने के लिए ट्रेनर चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए, आपकी फीस कितनी है और कितने दिन में कार सिखा देंगे? जी मैम, हम तो आपकी सेवा में ही हैं। वैसे मैं जान सकता हूँ आपकी सिस्टर की एज क्या है? आपका मतलब? मतलब मैम कि अगर वो 18 साल से नीचे रहेंगी तो हम नहीं सिखा पाएंगे। सॉरी मैं आपके कहने का मतलब समझ नहीं पाई थी। इट्स ओके। मेरी सिस्टर 22 साल की है। ओके। और क्या फीस लेंगे आप? मैम वैसे तो फीस हमारी 5000 है, और आपकी सिस्टर को अच्छे से सिखाने के लिए 15 से 20 दिन लगेगा। ठीक है, आप कब से सिखाएंगे? मैम जब से आप बोल दीजिए हम आ जाएंगे, और वैसे हाँ सिर्फ 2 घंटे ही सिखाएंगे दिन में। ओके, बट कब से? जब से आप कहें। क्या आप संडे से सिखा सकते हैं? बिल्कुल मैडम, आप ये नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिए अपने घर का एड्रेस, हम आ जाएंगे। जी ओके, मैं कर देती हूँ, आप आ जाना। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके बाय। ओके दी, मैं बहुत थक चुकी हूँ, क्या आप मुझे नाश्ता दोगी प्लीज? ओके बाबा क्यों नहीं। अच्छा सुनना। बोलो। एक खुशखबरी है। क्या? ट्रेनर मिल गया है ड्राइविंग के लिए। वाओ दी, थैंक यू सो मच, आई लव यू अ लॉट। ओके। अच्छा दी सुनो ना, अब तो कुछ खिला दो प्लीज, बहुत भूख लग रही है। मेरी बेबी को भूख लगी है? हाँ। ओके ये मिस मीना का घर है। हाँ पर आप कौन? जी मैं कार टीचर हूँ, मुझे मिस मीना ने बुलाया है। अच्छा अच्छा, दी ने बताया था आपके बारे में, आइए बैठिए। आपको घर ढूंढने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं जी बिल्कुल नहीं। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। तो इसको कार सिखाना है, इस बार तो कार सिखाने का मजा ही कुछ अलग रहेगा। क्या आइटम है यार। ओ राजू जी, आगे तुम। हाँ जी। अच्छा घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? कुछ प्रॉब्लम नहीं, आसानी से मिल गया ना? जी। अच्छा ये है मेरी सिस्टर महक, इसको ही कार चलाना सिखाना है। हेलो। हाय। तो चले महक जी। पर ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे इसमें डरने की क्या बात है, वैसे भी कार चलाना बहुत सिंपल है, और वैसे मैं हूँ ना, चले। चलो आप आइए। राजू। जी मैम। राजू। हाँ जी मैम। राजू। जी मैम आया मैम, बस 2 मिनट मैम आया। ओके। बोलिए मैम। चले। चलिए मैम आप बैठिए मैम। राजू इसे क्या कहते हैं? मैम इसे गियर कहते हैं, पहले क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगाएंगे। ओके। थोड़ी गाड़ी आगे लेंगे। अच्छा। फिर एक बार क्लच दबा के ऐसे सेकंड गियर लगाएंगे, इससे गाड़ी थोड़ी और स्पीड हो जाएगी। और हमें रिवर्स लेना है तो ये R लिखा हुआ है, हम ऐसा करके इसे रिवर्स लेंगे जिससे गाड़ी हमारी पीछे जाएगी। मतलब बस आगे और पीछे, दैट्स इट। हाँ आगे और पीछे,
चलो मैम कोई नहीं, वेल इसे चाबी कहते हैं, ये तो आपको पता ही हाँ, होगा। ये तो मुझे ये पता हम ही इधर लगाते हैं मैम, यहाँ पे। मैम नहीं यार, ओके ये चाबी, ओके हाँ चाबी। तो चले, हाँ चलिए मैम मैं आ गया हूँ। वैसे आपकी दीदी दिखाई नहीं दे रही है? दीदी तो आज घर पर नहीं है, ऑफिस गई हुई है। ओह और आज नहीं चलते हैं, क्यों? आज मेरी कमर में थोड़ा दर्द है। मैम आपने डॉक्टर को दिखाया नहीं? डॉक्टर को तो नहीं दिखाया, बट कोई नहीं, मैं बाम लगा लूंगी ना तो ओके ठीक हो जाएगा। इट्स ओके आप बैठिए। इसने दरवाजा पूरा क्यों नहीं लगाया? लगता है जो मैं चाहता हूँ शायद वो भी वही चाहती है। अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है। महक जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ आपकी मदद करने के लिए? अरे नहीं नहीं नहीं, वेट वेट, मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, तुम रुको प्लीज। अब आ जाओ। आपने बाम लगा लिया महक जी? लगाया तो है पर ठीक से लगा नहीं। आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी मदद कर दूं? ठीक है, क्योंकि वैसे भी ये दर्द मुझसे टॉलरेट नहीं किया जा रहा है। बाम कहाँ पर है? ये रहा, आप लेट जाइए। ओके महक। हाँ तुम्हें मालूम है एक सलमान खान की मूवी आई थी? कौन सी? जिसमें ये वाला गाना था, बेबी को बेस पसंद है। हाँ तो एक और आई थी ना जिसमें था, मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। महक तुमको मालूम है तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम भी बहुत अच्छे हो महक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे तो तुमसे उसी दिन प्यार हो गया था जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तो तुमने बताया क्यों नहीं? मैं भी तो तुमसे उसी दिन से प्यार करने लगा था। महक आई लव यू। आई लव यू टू। अरे ये तो राजू का मोबाइल फोन है, लगता है जनाब आज मोबाइल यहीं भूल गए हैं। हेलो। हेलो जी, मैं राजू की वाइफ बोल रही हूँ, पर आप कौन? राजू की पत्नी जी, मुझे उनसे कुछ काम है। वो मुझे कार सिखाने आते हैं, वो अपना फोन मेरे घर ही भूल गए हैं। कोई बात नहीं, जब वो आएंगे तो उनसे कह देना कि मेरा फोन आया था, वो घर जल्दी आ जाए। ओके बाय। ओके बाय। राजू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो शादीशुदा था और उसने फिर भी मुझे बताया नहीं, मेरी जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया। लेकिन इसकी सजा मैं उसे दे के रहूंगी। उसने जो मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है उसकी सजा उसे मिल के रहेगी। महक, महक डार्लिंग, मेरा मोबाइल। हाँ तुम ये अपना फोन यही भूल गए थे? हाँ यही लेने आया था। चलो महक मैं निकल रहा हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। ओके अच्छा सुनो ना। क्या? चाय तो पीकर जाओ। महक मुझे बहुत लेट हो रहा है और समझा करो। तुम्हें मेरी कसम। अच्छा पापा जाओ लेके आओ। ओके मैं लेके आती हूँ। ये भी यार पूरी पागल है, समझती नहीं है। अरे यार राजू ये लो तुम्हारी चाय। तुम अपने लिए नहीं लाई? नहीं ये स्पेशली तुम्हारे लिए है। ओह तो फिर ठीक है, बहुत ज्यादा टेस्टी है। और बताओ। तुम बताओ। चाय अच्छी है, इसमें मैंने अपना प्यार जो मिलाया है, तभी तो टेस्ट अलग है आज। थैंक यू यार, बहुत अच्छी हो तुम।
चलो मैं फिर मैं निकलता हूँ। हाँ ठीक है। ओके ओके बाय बाय। राजू तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? ये क्या बोल रही हो मैक? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम शादीशुदा थे और तुमने मुझे बताया भी नहीं मैक, और मेरे प्यार के साथ खेलते रहे। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, बहुत घबराहट से फील हो रही है मैक। वैसे मैं तुमको बताने वाला था। राजू अभी तो और तबीयत बिगड़ेगी तुम्हारी। मैंने उस चाय में जहर जो मिलाया है मैंने अपने धोखे का बदला ले लिया है। क्या तुमने ऐसा क्यों किया महक? क्योंकि आज के बाद तुम जैसे लोग कभी किसी को धोखा ना दे।